विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे। वैश्विक महामारी कोरोना के दौर चल रहा है, अधिकतम खबर अपना का कोरोना से जुड़ी देखे को मिलत हुई, किंतु सरकारन के दावा पर एक बेहद बड़ी चोट करे वाली घटना लेके आए हैं। वह घटना हमका अपना का अंदर से झकझोर दी, अंदर से शर्मिंदा कह दी। और बेशर्म सरकार केवल और केवल एक मात्र मुद्दा बना के रख दी। सवाल यह नहीं आए कि सिस्टम जो है कह का रहा है, या कोरोना वैश्विक महामारी में आपदा में अवसर ढूंढ रहा है। लगातार सवाल उठ रहे हैं यह सिस्टम पर कि आखिर लोगन का इलाज कौ में दिन जाल लागे, लोगन के मौत कैसा हो लागी, लोगन का इलाज कैसा मुहैया कराबा जाल लागे। यह सब बातन में गौर करे वाली बात यह ही कि सीधी मां बीते दिन 40 वर्षीय युवक निशांत प्रकाश श्रीवास्तव के यह कोरोना से वैश्विक महामारी से दर्दनाक मौत हो गए। हालात यह रही कि ओमा प्रथम दृष्टिया जो पूरी बात सामने निकल के आ चुकी है कि ओमा डॉक्टर और पूरे स्वास्थ्य विभाग के घोर लापरवाही के मामला सामने आबा है। जो ने अपना हमरे साथ एक वीडियो चल रहा है ओहू का अपना देखा तो ओ माँ अपना के अंतरात्मा कुरेदे वाला हुआ वीडियो है। हालात यह है कि हमका खुद शर्मा रही है और शायद अपनों का शर्मावत हुई कि आखिर हम अपना कौने सिस्टम के भरोसे जी लागे। सरकार दावा करती है कि मुफ्त में ऑक्सीजन है, मुफ्त में दवाई है, मुफ्त में बेड है, मुफ्त में इलाज है, किंतु का इलाज के है प्रतिरूप हुई। वह व्यक्ति का यदि सही इलाज सही समय में दे दिन जात, सही गाड़ी मिल जात, एम्बुलेंस मिल जात, तो शायद वह ऊर्जावान युवक जो कोरोना से संक्रमित भरा वह भाई हमारे बीच में हो। किंतु हमारा सिस्टम विकलांग है, दिव्यांग है। ओके, हालात यह है कि यह सिस्टम में घुल लग चुका है। दावा जरूर की जात है कि सिस्टम बहुत बेहतर है। यह जो तस्वीर देखी लागे यह सीधी के आइसोलेशन वार्ड के आए, जहां निशांत श्रीवास्तव का 21 तारीख का जब पता चला कि वो कोरोना संक्रमित है, तो 22 तारीख का सुबह 8 बजे सीधी जिला के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हो जाते, किंतु शाम 6 बजे तक उनकर हालत बेहद खराब हो जाती। हालात दिख रही कि हमारे साथ चल रही तस्वीर में आइसोलेशन वार्ड के अंदर की तस्वीर आए, और साफ तौर में यह तस्वीर में दिखाल लग है कि जमीन में लेटाए के निशांत श्रीवास्तव के इलाज की इंजाल लग है, ऑक्सीजन तक लगावे वाला को नहीं आए। का यह दावा है, हम जो दिखाई लहे सच दिखाई लहे। और अपना पंचन को बता दी कि हमारा मकसद यह है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, अपनों का जगावे के काम करी लागे। यह वैश्विक महामारी अबे एकर उम्र लंबी है। आज 40 वर्षीय निशांत श्रीवास्तव आइसोलेशन वार्ड में तड़प तड़प के दम तोड़ दीन, कल हमारो नंबर लग सकत है, अपनों के लग सकत है, केहू के लग सकत है, किंतु यह सिस्टम आखिर कब समझी, यह सिस्टम कब जवाबदार हुई। इस सब बातन के कहन कहो अंदर से आत्मा का झकझोर देती। और दिखावे के उद्देश्य यह है कि कम से कम असलियत से अपनों वाकिफ रही कि आखिर वह भगवान के दूसर रूप ये डॉक्टर नर्स का हम पचे मानी थे, किंतु एक मानवता नहीं आए, मानवीय दृष्टिकोण नहीं आए। एक संक्रमित व्यक्ति के इलाज जमीन में लिटाए के ओका ऑक्सीजन लगावा गया है, वह मृत्यु सैया मां है, अंतिम क्षण चल रहे हैं, किंतु मानवता नहीं आए कि वह व्यक्ति का सही इलाज मिल पावे। सीधी में दावा की जाते हैं कि 5-5 थे वेंटिलेटर मशीनी, तो हम यह सवाल पूछी थे कि आखिर काहे नहीं निशांत श्रीवास्तव का वेंटिलेटर में रखा गया, काहे ऑक्सीजन के सहारे जमीन में लेटाए के इलाज जारी किएगा। सवाल बहुत सारे हैं। सीधी कलेक्टर यह पूरे मामला मां जो है आश्वासन दी नहीं हमका कि पूरे मामला की जांच सीधी के एडीएम हर्षल पंचोली जी के द्वारा की जा रही है, और जल्द से जल्द दूध के दूध पानी हो जी। किंतु सवाल बड़ा है कि सिस्टम में घुल लग चुका है, और यह सिस्टम का
कहो न कहो जनता के आक्रोश के आवश्यकता है और अपना जौने दिन जनता सड़कन में आए जी ना तो हम दावा करी थे कि सिस्टम या तो लाइन में आए जी या तो बंदे हो जी। हालात बेहद दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दर्दनाक है। 40 वर्षीय युवक का हमरे अपना के बीच से चले जाप अबे उनकर यह उम्र नहीं रही। हर जगह कोरोना संक्रमित बेहद क्रिटिकल पेशेंट ठीक होल लागे, किंतु सीधी मां इलाज के नाम पर का की इंजाल लागे यह तस्वीर सब बयां कर दे थी। और यह तस्वीर कहो न कहो पूरे सिस्टम के मुंह में तमाचा आए और जो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपना पंचन का अपने साथ दिखाई लाए। आपन बहुत ख्याल रखब, सीधी उमा लगातार मौत के आंकड़ा बढ़ी रहा है। कल देर रात जो है एक और मौत है, जौने माँ दीनदयाल रसोई के जो रसोईया हैं उनका पति देव जो है रीवा माँ आखिरी सांस लेन वो कोरोना संक्रमित रहे। सीधी माँ अब 5 मौत हो चुकी हैं। अपना से दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है, बहुत जरूरी हो तब घर से बाहर निकली और निकली तो पूरे नियम कायदा के साथ मास्क लगाई और पूरी तरह से मास्क लगाई, सामाजिक दूरी के पालन करी और कोशिश यह करी कि हाथ सैनिटाइजर साबुन से अवश्य समय समय में धोबत रही। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम। ये देखिए कोविड वार्ड सेंटर में मरीज पड़ा हुआ है जिसके का ऑक्सीजन नहीं आ पा रहा है, जिससे यहाँ कोई स्टाफ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है रात को ले जाने के लिए। नहीं है यहाँ कोई नर्स नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, तो करना चाहिए। कोई क्रिटिकल मरीज आ जाए रात के लिए यहाँ कोई कहे कि रुकता है? ये यहाँ वो क्या कहते हैं, कोई वो थोड़ी है कि धर्मशाला।